Good morning, students. We are moving to the sixth point of our third chapter, that is concept of consumer's equilibrium. यहाँ हम ये सीखेंगे, we learn that consumer को equilibrium satisfaction कैसे मिलती है, consumer को कम से कम एक integer में ज़्यादा से ज़्यादा utility कैसे मिलती है. Consumer's equilibrium refers to a situation wherein a consumer gets maximum satisfaction out of his given income. So consumer को ज़्यादा से ज़्यादा satisfaction मिलती है उसकी given income में, and he has no tendency to make any change in his existing expenditure. और वो कोई अपने खर्चे में कोई भी चेंज नहीं करना चाहता है. इन अदर वर्ड्स, अ कंज्यूमर इज इन द इक्विलिब्रियम व्हेन ही रिगार्ड्स हिज एक्चुअल बिहेवियर एज द बेस्ट पॉसिबल अंडर द सर्कमस्टांस एंड फील नो नेसेसिटी टू चेंज हिज बिहेवियर एज लॉन्ग एज सर्कमस्टांसेस रिमेन अनचेंज्ड. सो अगर मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे वही 10 रुपीज़ वाली चॉकलेट पसंद है, तो मैं वो जाकर ले लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये क्या है, मेरा एक इक्विलिब्रियम यूटिलिटी है. ठीक है, मैं उस 10 रुपीज़ की चॉकलेट को तब तक यूटिलाइज़ करूँगी, तब तक कंज्यूम करूँगी जब तक मुझे उसकी अवेलेबिलिटी है. जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है, मेरी चॉकलेट आई ही नहीं, तो मैं क्या करूँगी, उससे थोड़ी कम वाली या थोड़ी ज़्यादा वाली ले लूँगी. बट ये तब आएगी चेंजेस जब कोई प्रॉब्लम है, सर्कमस्टांस वैसे नहीं है. बट अगर सर्कमस्टांस नॉर्मल है तो मैं अपनी वही चीज़ पर स्टिक रहूँगी, दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. मुझे उस चीज़ पर सेटिस्फेक्शन मिली है कि मैंने 10 रुपीज़ ही स्पेंड करने हैं एंड 10 रुपीज़ में मुझे मिल रहा है जो मुझे चाहिए. ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जाम्पन्स हैं. फर्स्ट इज रैशनल कंज्यूमर. कंज्यूमर इज एज्यूम टू बी रैशनल. कंज्यूमर को हम एक रैशनल फिगर मानते हैं, एक लॉजिकल फिगर मानते हैं. अ रैशनल कंज्यूमर इज़ वन हु वॉन्ट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम. तो जितनी मेरी इनकम है, अगर मैं 10 रुपीज़ की चॉकलेट खरीद सकती हूँ तो मुझे ठीक है, मैं खरीद लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रैशनल हूँ इस चीज़ के लिए. Cardinal utility. Utility of every commodity can be measured in terms of cardinal numbers such as 1, 2, 3, 4 etc. मैंने अपनी चॉकलेट को 10 on 10 दिए हुए हैं, तो वो मैंने क्या किया है, वो 10 on 10 क्या है, वो 10 जो नंबर मैंने उसको दे दिया वो क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी है मेरे लिए, तो भाई वही बेस्ट है. इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. इट इज अज्यूम्ड दैट द यूटिलिटी दैट अ कस्टमर गेट्स फ्रॉम अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ दैट वेरी कमोडिटी अलोन. अब अगर कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है तभी आप खरीद रहे हो, ठीक है, तभी आप उसको परचेज कर रहे हो, उसकी क्वालिटी अच्छी है तभी आप, आपकी उस पर यूटिलिटी है. अब आपकी जो यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट कैसे है, क्योंकि वो कमोडिटी पे डिपेंड है. अगर किसी कमोडिटी की जो क्वालिटी है वो अच्छी है तभी आपकी यूटिलिटी आएगी उस पर, नहीं तो वो नहीं आएगी. सो दैट मीन्स जो हमारी यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है, एंड सेकेंडली जो कमोडिटी है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड है. सो कमोडिटी क्या होता है, जितनी भी कॉमनली हम चीज़ें यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कमोडिटी. इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स. तो चाहे हम एक ब्रांड को छोड़कर, नेस्ले को छोड़कर, हम किसी और ब्रांड की भी चॉकलेट खरीद लेते हैं, तो वो चीज़ में फ़र्क नहीं कोई आएगा, क्योंकि मैं नेस्ले खरीद रही हूँ इसीलिए परचेज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसकी जो क्वालिटी है वो पसंद है एंड मैं सेटिस्फाई हूँ उसमें. फोर्थ इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट. इट अज्यूम दैट द मनी मेजर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी. जो हमारा मनी है वो मेजर करता है मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि खरीदनी तो हमने पैसों के साथ ही है. सच एज इट्स ओन मार्जिनल यूटिलिटी शुड रिमेन कॉन्स्टेंट सो एज टू सर्व एज एन आइडिया ऑफ मेजर. 10 रुपीज़ की है और मेरी इनकम उस चीज़ में मुझे अलाउ कर रही है कि मैं वो 10 रुपीज़ की चॉकलेट परचेज कर लूँ, मैं कर लूँगी. बट ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि वो चॉकलेट 10 की जगह 20 की हो जाती है, तो मैं शायद उसे नहीं खरीद सकती हूँ. दैट मीन्स कि जो मनी है वो डिसाइड करेगा कि मुझे सेटिस्फेक्शन लानी है या नहीं लानी है. अगर तो 10 की है, मैं अवेलेबल हूँ इस चीज़ के लिए, मैं खरीद सकती हूँ, आई विल गो विद इट. अगर वो 10 रुपीज़ इट इज़ आउट ऑफ माय पॉकेट एंड आई एम थिंकिंग दैट आई कैन बाय इट, तो वो क्या बन जाएगा, मनी मैटर्स. ठीक है, सो फोर थिंग्स वी डिड. रैशनल कंज्यूमर, हम लॉजिकल रहते हैं, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ. कार्डिनल, हम उसको रैंक, नंबर कर देते हैं 1, 2, 3, 4. ठीक है, इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट कैसे, कि क्वालिटी पे डिपेंड करता है, अगर तो क्वालिटी अच्छी है तब भी हमें यूटिलिटी मिलेगी. एंड फोर्थ इज मनी इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, हमारा जो परचेजिंग लेवल है, परचेजिंग प्राइस है, वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, फ्लक्चुएटिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम वो चीज़ नहीं खरीदेंगे. अगर हम नहीं परचेज करेंगे तो हमें यूटिलिटी भी नहीं मिलेगी. नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. हम यहाँ पर दोनों चीज़ें देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस हमें कैसे मिल रहा है एंड कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम उसे कहाँ जाके
सेटिस्फाई करता है. नाउ वी एड्रेस द बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, हाउ मच ऑफ अ कमोडिटी अ कंज्यूमर बाय सो दैट ही मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन एंड अटेन्स द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें कोई भी कमोडिटी, कोई भी रिसोर्स कौन से प्राइस पे खरीदनी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके. ठीक है, दिस डिस्कस्ड व्हेन विद रेफरेंस ऑफ टू डिफरेंट सिचुएशंस दैट व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड एंड व्हेन टू और मोर कमोडिटी आर कंज्यूम्ड. तो जब हम एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी जो यूटिलिटी है दैट इज़ ऑन द हायर, बट जब हम सेकेंड कर रहे हैं या उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारी जो यूटिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है. ठीक है, अब इन दो सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए. द केस ऑफ वन कमोडिटी, ठीक है, तो हम वहाँ क्या तीन फैक्टर्स रखेंगे, कौन से थ्री फैक्टर्स को लर्न करेंगे, दैट इज़ प्राइस ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. हम तीन चीज़ें अपने दिमाग में रखेंगे दैट हमारी जो चॉकलेट हमने खरीदनी है या कोई भी कमोडिटी या रिसोर्स हमने परचेज करना है उसकी प्राइस क्या है. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, टोटल उस यूटिलिटी की प्राइस कितनी है एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. नाउ वी आर मूविंग ऑन कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. ठीक है, यहाँ हमने दो चीजें याद करनी है. वी हैव टू लर्न ओनली टू थिंग्स दैट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दैट गिवन इनकम एट मैक्सिमम लेवल. तो कंज्यूमर को जो इनकम मिलनी चाहिए वो मैक्सिमम लेवल पर मिलनी चाहिए. अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तभी हम सब कुछ खरीद सकते हैं. ठीक है, इन सेकेंड कंज्यूमर प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर इन सच मैनर दैट ही मैक्सिमाइजेस टोटल सेटिस्फेक्शन. तो कंज्यूमर लाइक यू एंड मी, हमें अपने एक्सपेंडिचर्स इस तरह से प्लान करने चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले. ठीक है, 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ से हम ये पेन भी ले सकते हैं, चॉकलेट भी खा सकते हैं एंड कॉफी भी पी सकते हैं. इट्स अप टू अस दैट हमें क्या करना है उसका. ठीक है, इसके अंदर हम दो केसेस पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज केस वन एंड सेकेंड इज केस टू. केस वन में क्या है, हमारे पास जो कमोडिटी है वो कितनी होंगी, सिंगल होगी, एक ही होगी. एंड केस टू में कमोडिटीज कितनी होंगी, एक से ज्यादा. ठीक है, पहले हम करते हैं सिंगल केस. ठीक है, सिंगल कमोडिटी परचेज ऑफ कमोडिटी डिपेंड अपॉन ऑन दीज थ्री थिंग्स. ठीक है, जब हम सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं, सिंगल कमोडिटी केस की बात करते हैं, तो हमारी तीन चीजों पर सिंगल कमोडिटी डिपेंड करती है. फर्स्ट इज प्राइस, सेकेंड इज मैक्सिमम यूटिलिटी एंड थर्ड इज मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ मनी. नाउ वी लर्न अबाउट दी वन कमोडिटी केस. ठीक है, सिंगल कमोडिटी केस में हमने कैलकुलेशन किस तरह करनी है, ये है हमारा फॉर्मूला. ठीक है, दिस इज आवर फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है, MUM इज इक्वल्स टू MUX बाय PX. ठीक है, लेट्स लर्न अबाउट दी फॉर्मूला फर्स्ट. दी फॉर्मूला में है क्या, MUM, MUM क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. ठीक है, MUX क्या हुआ, X जो है हमारे रिसोर्स को हमने एज्यूम किया हुआ है. ठीक है, MU क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी, P क्या हुआ, प्राइस. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी मनी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी बाय प्राइस. व्हाट इज दैट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी बाय प्राइस. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ दिस फॉर्मूला इन टू दिस सम. हमारे पास यूनिट ऑफ कमोडिटीज गिवन होंगे. ठीक है, MU भी गिवन होगा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, MUM. सो यूनिट ऑफ कमोडिटीज हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4. MU क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 20, 18, 16 and 10. कैलकुलेट करना है MUM. ठीक है, चलिए MUM हम एज्यूम करते हैं, लेट्स से आपको चॉकलेट मैंने जैसे दी थी, अब उसकी प्राइस सोचते हैं 10 रुपीज थी. आपने एज्यूम कर लिया कि मैं 50 रुपीज तक स्पेंड कर सकती हूँ, मेरे पास 100 रुपीज है एंड मैं 50 रुपीज इजिली स्पेंड कर सकती हूँ. तो जो आपने वो जो 50 रुपीज सोचे हैं वो क्या हुआ, MUM. ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इसमें एक एज्यूम लेकर चलते हैं कि मैंने MUM 50 रुपीज था, यहां पर मैंने 4 लिया है. ठीक है, आपकी जो प्राइस होगी वो ऑलरेडी गिवन होगी, तो आपने क्या करना है, MUM को फॉर्मूला के साथ में MUM कैलकुलेट करना है. कैसे, MU डिवाइडेड बाय प्राइस. कैसे, 20 डिवाइडेड बाय 4 5, 18 डिवाइडेड बाय 4 4.5, 16 डिवाइडेड बाय 4 4, 10 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2.5. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद में हमने देखना है, क्या देखना था, इक्विलिब्रियम. हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी थी, दैट इज 4,
हमारा क्या हुआ, इक्विलिब्रियम। नाउ अब हमने इक्विलिब्रियम तो कैलकुलेट कर लिया, पर जो इक्विलिब्रियम से ऊपर की जो प्राइसेस आई है वो क्या है हमारा सरप्लस, ठीक है। जो 4 से ज्यादा आया 4.55, तो ये हमारा क्या है सरप्लस। जब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे लाइक वाई एक्सिस पे होगा हमारा एम यू एंड प्राइस एंड एक्स एक्सिस पे होंगे हमारे गुड्स, तो जहां पर हमारी एम यू एम एंड गुड्स की लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो क्या होगा हमारा इक्विलिब्रियम। ये क्या है हमारा इक्विलिब्रियम। एंड जहां पर हमारे प्राइसेस ज्यादा है मैक्सिमाइज है वो क्या है हमारे कंज्यूमर्स सरप्लस। नाउ वी आर मूविंग टू टू और सेवरल कमोडिटी केस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा टू और सेवरल कमोडिटी केस, ठीक है। यहां पर हमने क्या करना है, यहां हमारे पास दो कमोडिटीज गिवन होगी एम यू एक्स एंड एम यू वाई, ठीक है। दो रिसोर्सेज के बारे में होगा, तो फॉर्मूला हमारा वही है दैट इज एम यू एक्स बाय पी यू एक्स, साथ में क्योंकि एम यू वाई भी है तो एम यू वाई बाय एम यू पी यू वाई दैट इज इक्वल टू एम यू एम, ठीक है। फॉर्मूला वही है मैक्सिमम यूटिलिटी बाय प्राइस दैट इज फॉर एक्स रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ वाई रिसोर्सेज बाय प्राइस ऑफ एक्स रिसोर्सेज इज इक्वल टू मैक्सिमम यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। प्राइस हमें दोनों की गिवन है पी एक्स की भी एंड पी वाई की भी दैट इज वन एंड वन, राइट। जो हमारे पास इनकम है दैट इज लिमिटेड, इनकम कितनी है हमारे पास ओनली 6। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, अब हमारे पास 6 रुपीज है, हमने ये देखना है कि इसमें से हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रही है, सबसे ज्यादा कहाँ मिल रही है 30 पर, हमने यहाँ स्पेंड किया अपने 1 रुपी, उसके बाद किस कहाँ मिल रही है 26 पर, या हमने कितने स्पेंड किए अपने 2 रुपीज, कितने रह गए 4 रुपीज रह गए। अब देखो 26 से कम सेटिस्फेक्शन कहाँ है 25 पर, 3, 25 से कम कहाँ है 24 रुपीज यहाँ स्पेंड हो गए 2 रुपीज रह गए। अब यहाँ देखिए यहाँ भी आप कर सकते हैं 5 चाहो, आप यहाँ भी 5 कर सकते हो, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया एम यू एम, ठीक है। सो हमारा एम यू एक्स एंड एम यू वाई भी कैलकुलेट हो गया। जब हम इसको अपने ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से होगा लाइक दिस इज वाई एक्स गुड्स एंड दिस इज वाई गुड्स, जहां वाई गुड्स एंड जहां एक्स गुड्स इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स एंड आई हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम प्लीज डू मैसेज मी। थैंक यू सो मच।